हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दोस्तों आप लोग फेसबुक पे जब अपना चैनल मोनेटाइज करें, अपना अकाउंट मोनेटाइज करें, तो दोस्तों आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आप लोग भी दोस्तों बहुत से बार आप लोग क्या करते हो, किसी की भी रील्स उठा के आप लोग डाल देते हो और दोस्तों वो रील इतनी वायरल हो जाती है कि दोस्तों उससे आप लोगों को बहुत सारे फॉलोअर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं अपने फेसबुक अकाउंट पे। तो दोस्तों इस केस में क्या होता है, आप लोग जब अपने आप लोग फेसबुक अकाउंट को मोनेटाइज करने जाओगे दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों का फेसबुक अकाउंट वहाँ पर मोनेटाइज नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि दोस्तों आप लोगों का जो फेसबुक अकाउंट था वो आप लोगों ने गलत रील या गलत आप लोगों ने किसी और की रील आप लोगों ने डाल के फॉलोअर्स गेन किए हैं। इस केस में क्या होता है दोस्तों, आप लोगों के जो फेसबुक का अकाउंट है इस पे दोस्तों आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, आप लोगों को यहाँ पे स्ट्राइक भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आप लोग ऐसा ना करें, आप लोग दोस्तों अपनी रील्स या अपना कॉन्टेंट ही फेसबुक पर अपलोड करें। आप लोग किसी और का यहाँ पे फॉलोवर्स गेन करने के लिए रील्स अपलोड ना करें। तो आप लोग दोस्तों अगर आप लोगों ने किसी की रील्स अपलोड कर दी है तो आप लोगों को क्या करना है वो आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से दोस्तों स्टार्स का ऑप्शन मेरा यहाँ पे एलिजिबल है, मैं ओपन कर सकता हूँ इसे। लेकिन दोस्तों जो आप लोग रील्स किसी और की अपलोड करते हो तो दोस्तों आप लोगों के चैनल पर ये स्टार्स का ऑप्शन आप लोगों को ये देखने को नहीं मिलता है, आप लोगों का ये स्टार्स का ऑप्शन बंद हो जाता है। और मोनेटाइजेशंस में दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द क्राइटेरियाज। यहाँ पे दोस्तों अगर मेरे 5000 फॉलोवर्स हो जाएंगे और दोस्तों यहाँ से मैं दोस्तों ये मेरा ओपन हो जाएगा और मैं दोस्तों इसके लिए एलिजिबल हो जाऊँगा। तो दोस्तों आप लोगों को भी बहुत से बार क्या होता है, आप लोग किसी और की वीडियो डालते हो तो आप लोगों का ये स्टार्स का ऑप्शन नहीं खुलता। तो आप लोगों को इस केस में क्या करना है, आप लोगों को कैसे ओपन होगा वो आप लोगों को दोस्तों इस वीडियो में मैं बताता हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी की भी रील से अगर आप लोगों को अच्छे खासे फॉलोवर्स आप लोगों को देखने को मिल चुके हैं तो दोस्तों अब आप लोग क्या करें, आप लोग दोस्तों उस टाइम अपने फेसबुक अकाउंट को मोनेटाइज ना करें। आप लोग क्या करें, थोड़ा सा वेट करके आप लोग अपना रील्स उसमें अपलोड करने लग जाएं, अपना कंटेंट उसमें अपलोड करने लग जाएं। जब दोस्तों आप लोगों का कंटेंट, आप लोगों का जो रील्स का है, आप लोगों की ऑडियंस जब देखने लग जाए, फेसबुक की ऑडियंस जब उस रील्स को देखने लग जाए, तब दोस्तों आप लोगों को अपनी जो आप लोगों ने किसी और की रील्स डाली है आप लोगों को वो डिलीट मार देनी है। वरना दोस्तों आप लोग एक काम और कर सकते हो, आप लोग दोस्तों आप लोगों के 12000 अगर सब्सक्राइबर या 15000 20000 हो चुके हैं, फॉलोवर्स हो चुके हैं, आप लोगों को और भी गेन करने हैं या आप लोगों के या 1K 2K फॉलोवर्स हो चुके हैं, आप लोगों को और गेन करना है, आप लोगों की वीडियो पर चल चुकी है अच्छी खासी, तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा और उसको वेट कर लें। आप लोग 4000 5000 फॉलोवर्स जब आप लोगों के हो जाए कंप्लीट, तो आप लोग दोस्तों वहां से उस वीडियो को डिलीट कर दें और आप लोगों के दोस्तों फॉलोवर्स आप लोगों के अकाउंट पे ही रहेंगे फेसबुक के, बस आप लोगों को अपना कंटेंट उसके बाद अपलोड करना है और आप लोगों को यहां से आप लोगों को मिल जाएगा यहां से मोनेटाइजेशंस का ऑप्शन। तो दोस्तों ये आप लोग काम कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोग इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं, आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होगा। तो दोस्त वीडियो में भी इतना ही, अगर आप लोगों को वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बता देना आप लोग, और दोस्तों साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना।